नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। ओशियनोग्राफी मतलब कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं महासागरीय निक्षेपों के बारे में। ओशियन डिपॉजिट्स, आखिर महासागरों में निक्षेप आते क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं और हम उनको कैसे कटराइज कर सकते हैं, कि कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में हम देखेंगे और उनके स्रोत क्या हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं महासागरीय निक्षेपों के बारे में। सबसे पहले जरूरी है कि महासागरों में निक्षेप के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से उनमें महासागरों के निक्षेप आते हैं। तो उनमें स्रोतों की अगर मैं बात करूँगा तो या तो नदी हो सकती है, नदियों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर वगैरह हो सकते हैं, पवन हो सकते हैं और ज्वालामुखी भी हो सकते हैं और साथ साथ में उल्कापिंड भी हो सकते हैं। इनसे क्या होता है, महासागरों में निक्षेप आते हैं। लेकिन महासागरों में निक्षेप ये तो हो गए स्रोत, लेकिन अगर जो मुख्य रूप से निक्षेपों की बात करें तो हम मुख्य रूप से निक्षेपों को दो प्रकार में बांटते हैं। निक्षेपों को कितने प्रकार में बांटते हैं, दो प्रकार में बांटते हैं। दो प्रकार के हम देखेंगे तो एक होता है स्थल जात निक्षेप और दूसरा होता है जल जात निक्षेप। लेकिन इसको जानने से पहले मैं देखना है आखिर निक्षेप है क्या, निक्षेप क्या है। निक्षेप की अगर मैं बात करूँ तो महासागरों की तली में पाए जाने वाले असंगठित तत्व, मतलब असंगठित तत्व क्या कहलाते हैं, निक्षेप कहलाते हैं। लेकिन अगर जो किसी प्रक्रिया के दौरान वो संगठित होकर के ठोस पदार्थ बना लें तो वो निक्षेप नहीं कहलाएंगे। निक्षेप का मतलब असंगठित पदार्थ जो महासागरों की तली में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। वो निक्षेप क्या हो सकता है, वो निक्षेप आप देखेंगे तो कोई बजड़ी हो सकती है, वो निक्षेप आप देखेंगे तो कोई रेत हो सकती है, वो निक्षेप जो आप देखेंगे तो वो कोई पंख या मड भी हो सकता है। तो ये क्या है, महासागरीय निक्षेप हैं। तो मैंने बताया कि इनकी कैटेगरी दो प्रकार की होती है, एक होता है स्थल जात, दूसरा होता है जल जात। स्थल जात का मतलब ऐसे निक्षेप जिनका स्रोत जो हम देखेंगे तो उन स्रोत कहाँ से हैं, किसी स्थलखंड से वो आए हुए होते हैं, मतलब कि किसी भूमि से हुए आए हुए अगर जो भी निक्षेप है उनको हम क्या बोलेंगे, स्थल जात निक्षेप कहेंगे। जल जात मतलब ऐसे निक्षेप जिनका निर्माण ही अगर जो आप देखेंगे तो जलीय मतलब महासागरों के अंदर ही होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जल जात निक्षेप कहते हैं। तो स्थल जात निक्षेप के स्रोत क्या हैं, मतलब स्थल जात में जो होंगे तो कौन कौन से आएंगे, तो उनके स्रोत हम देखेंगे तो नदियाँ हो सकती हैं, ग्लेशियर हो सकते हैं, पवन हो सकते हैं, समुद्री लहर हो सकती हैं। नदियाँ भी धीरे धीरे बहती रहती हैं, जब नदियाँ बहती तो अपने साथ में कई सारे पर्वतों को पहाड़ियों को काट के मिट्टी वगैरह काटते काटते क्या करते हैं, लेके बहा कर लेके चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, निक्षेप वगैरह चलते चले जाते हैं। उनमें क्या होता है, बजड़ी भी चली जाती है और कुछ आप देखेंगे तो वहाँ पे रेत भी जाती है और थोड़ा बहुत मड भी जाती है। अभी मैं आगे बताएंगे मड वगैरह होता क्या है। तो फिर ग्लेशियर है, ग्लेशियर भी टूटते रहते हैं, आप जानते होंगे ग्लेशियरों के द्वारा जो अवसाद जमा होते हैं उनको हम टिलाइट के नाम से जानते हैं। और पवन भी क्या करती, पवने चलती तो अपने साथ रेत उड़ा करके लेके चली जाती है, जैसे आप सुने होंगे लोएस मिट्टी वगैरह मैदान वगैरह चीन में है। लेकिन वो बात है कि वो स्थलखंड पे, लेकिन जब वो पौने बहा करके मिट्टी को जब लेकर के चले जाएंगे समुद्री क्षेत्र में तो मिट्टी क्या होगी, मिट्टी वही समुद्र की तलहटी में जमा हो जाएगी और वही क्या कहलाएगी, उसका निक्षेप कहलाएगी। तो पौने भी अपना एक मुख्य भूमिका निभाती हैं निक्षेपों के अंतर्गत। एक होता है, नेक्स्ट है समुद्री लहर। जब समुद्र की लहरें चलती हैं तो अपने किनारे किनारे आप देखेंगे बेलांचली धारा वगैरह आप सुने होंगे, मैंने बताया है महासागरीय जल के कार्यों के अंतर्गत। तो कहने का मतलब है सागरी लहर जो चलती तो अपने आसपास की मतलब कि जो तट होता है उसको काटते हुए चलती हैं। जब तट को काटते हुए चलेंगी तो उसके जो निक्षेप होंगे उसमें भी बजड़ी होगा, रेत होगा, उसको बहा करके लेके चली जाती हैं। जब उसको बहा करके लेके चली जाती हैं तो वो समुद्र की तलहटी में जमा हो जाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है, सब स्थल जात निक्षेप हैं। इसमें बजड़ी, रेत और पंख है। बजड़ी आप देखे होंगे, गिट्टी जिसको हम कह सकते हैं, फिर उससे छोटा रेत, फिर उससे भी महीन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पंख बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है मर्रे, उन्होंने क्या किया इसका डिवीजन करके बताया, उन्होंने क्या किया कि इसका डिवीजन किया पंख का। खैर रेत और पंख में आप बिल्कुल एक ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल यही एक सीमा है, इसके ऊपर पंख है, इसके नीचे रेत है, लेकिन एक कह सकते हैं कि जो रेत से भी छोटे कण होते हैं वो पंख कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे छोटे कण किसके होते हैं, बजड़ी, रेत और पंख, तो इसका आंसर क्या होगा, पंख होगा। फिर पंख को मैंने बताया है किसके कैटेगराइज्ड कर दिया गया है, नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख। तो आखिर ये पंख नीला, हरा, लाल, आखिर ये कौन कौन से पंख होते हैं, तो ये उनको हम समझते हैं। तो जो नीला पंख है उसमें नीला कलर जो होता है वो आयरन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण इसका कलर नीला दिखने लगता है, और उसमें थोड़े बहुत जैव पदार्थ भी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं पर जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की प्रक्रिया के अंतर दौरान आप देखेंगे तो बहुत से पेड़ वगैरह क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टूट करके क्या होते हैं कि
बहने लग जाते हैं, फिर सड़ने गलने की प्रक्रिया होती है और क्या होते हैं सड़के नदियों के द्वारा समुद्र तक पहुंच जाते हैं। इनमें इसका मतलब ये नीले पंख के अंतर्गत जैव पदार्थ भी होते हैं। तो क्या आपसे इस तरीके से प्रश्न जब स्तर बढ़ता है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या स्थल जात निक्षेपों के अंतर्गत जैव पदार्थ आते हैं? तो हाँ आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे नीले पंख के अंतर्गत जैव पदार्थ शामिल हैं, तो ये जैव पदार्थ नीले पंख के अंतर्गत आएंगे। फिर लाल पंख, लोहे के ऑक्साइड, मतलब कि वे क्षेत्र जिन जहाँ पे लाल मिट्टी की अधिकता है वहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो जब लाल पंख में जब लौह ऑक्साइड की मतलब कि वहाँ की जो नदियाँ वगैरह हैं जब वो बहती हैं तो वो क्या करें अपने साथ में लाल मिट्टी को बहा करके लेके चले जाएँ, उसके जो महीन कण जो रेत के मतलब जो पंख हैं वो क्या कहलाएंगे, लाल पंख कहलाएंगे, लोहे के ऑक्साइड, याद रखिएगा। फिर हरा पंख, हरा पंख आप देखेंगे तो पोटेशियम सिलिकेट और चूने के जीवों में आपको देखने को ये मिलते हैं। तो पोटेशियम सिलिकेट और चूने के जीव, ये दोनों याद रखिएगा, हरे पंख के अंतर्गत, हरा रंग इसका पोटेशियम सिलिकेट के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया स्थल जात निक्षेप। अब आइए इसको थोड़ा सा मैंने एक फिगर बनाया है, इस फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। नदियाँ, ग्लेशियर, पवन, समुद्री लहरें, ये मैंने बताई है, ये है नदी और ये क्या है, ये है समुद्र। जब नदी बहेगी तो सीधी बात है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी तो यहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ होंगी वो टूटेंगी, टूट करके नदी में आएंगी, फिर नदी बहा करके इनको समुद्र में लेकर के चली जाएगी। दूसरा मैंने बताया, एक तो नदियों के द्वारा हो गया, दूसरा पर्वतों के द्वारा, कुछ नदियाँ पर्वतों से भी होते हुए तो निकलती हैं, नदियाँ मैदानी क्षेत्र से जरूरी नहीं निकले, पर्वतीय क्षेत्रों से भी निकलेंगी। तो पर्वत में जो भी चट्टान है उनको तोड़ते हुए जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो अपने साथ पर्वतों के भी अवसाद लाती है, तो ग्लेशियर के टूटे हुए अवशेष भी हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, हमें पर्वतीय क्षेत्रों में या कह सकते हैं कि ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे तुरंत समुद्र क्षेत्र भी स्थित हो, जैसे मान लीजिए आप ध्रुवीय क्षेत्रों में आप चले जाइए, नॉर्वे में चले जाइए, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पर्वत हैं और पर्वत के तुरंत बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे समुद्र आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ऐसे पर्वत जो समुद्री किनारों पर स्थित हों। तो वहाँ पे जो ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर के पिघलने के दौरान ही वो क्या होते हैं, टूट के समुद्र में गिर जाते हैं। तो सिर्फ ग्लेशियर में पूरी बर्फ तो होती नहीं है, उसमें थोड़े बहुत अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं उसके साथ में बह करके समुद्र में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उसके निक्षेप के तौर पे तलहटी में जमा हो जाते हैं। तो ये पर्वत है, पर्वत के बाद मान लीजिए जैसे तुरंत समुद्र है तो ये पर्वत के ग्लेशियर टूटा और टूट करके क्या होगा, सीधे इसमें गिर जाएगा। जैसे सीधे इसमें गिर जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, ग्लेशियर के अंतर्गत जमा हुए निक्षेपों के अंतर्गत। दूसरा पवन है, पवनें भी चलेंगी तो हवा, देखिए अभी इस टाइम पे जब हवा चलती तो खूब धूल वगैरह उड़ती है, तो जब हवा धूल उड़ाते हुए चलती तो जब समुद्री क्षेत्रों में जब हवा चलेगी तो भी धूल तो उड़ाएगी, जब धूल उड़ाएगी तो स्थल से धूल को समुद्र में लेकर के चली जाती है और वहाँ पे उसके अवशेष जमा हो जाते हैं। तो ये तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, समुद्री लहर, नदियाँ, ग्लेशियर, पवन। अब मान लीजिए जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे ये हो गया स्थल और ये हो गया समुद्र। जब समुद्र की धारा चलेगी तो ये जो इसका बीच वाला पोर्शन है, पुलिन जिसको हम कह सकते हैं, तो ये कहते हैं ना मरीन ड्राइव, मरीन बीच आप सुने होंगे और आप जुहू बीच सुने होंगे, तो बीचेस जो होते हैं उनमें क्या होगा कि जो आप मतलब कि समुद्र की धाराएं चलेंगी तो तट के साथ में जो लहरें होंगी वो इसकी बजड़ी को लेकर के चली जाती हैं समुद्र के क्षेत्र में, कुछ ला के बाहर भी कर देती हैं। तो ये क्या कहलाता है, समुद्री धाराओं के या कहें कि समुद्री लहरों के द्वारा समुद्र में पहुंचे हुए निक्षेप। तो समझ में आ गया होगा, आइए देखते हैं जलजात निक्षेप के बारे में। जलजात निक्षेपों की बात करेंगे तो जलजात निक्षेपों में आप देखेंगे समुद्र में बहुत सारे जीव भी रहते हैं, समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं और उनमें जीव तथा वनस्पतियों के अवशेष भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर एक जीव की अंतिम एक अवस्था आती है जिसमें वो मर जाता है। तो चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, तो वो क्या होगा उसमें मरेगा तो ही मरेगा, तो समुद्र के बाहर तो वो जा नहीं सकता, सीधी बात है समुद्र में वो अंदर तलहटी में वो जमा हो जाते हैं। तो जब वो उन क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं तो उनसे जो निक्षेप बनते हैं उनको हम जलजात निक्षेप कहते हैं, मतलब कि वो समुद्र के अंदर ही बने हुए निक्षेप हैं, उनका मतलब कि स्थल खंड से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर दूसरी बात है, ये निक्षेप मिलेंगे कहाँ, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे कोई समुद्री क्षेत्र है और ये क्या है, समुद्र की गहराई, ये मतलब समुद्र के अंदर की स्थिति को दर्शा रहा है, ये कोई गंभीर कह सकते हैं, ये कोई मान लीजिए जैसे कोई मेरियाना ट्रेंच वगैरह जो आप नाम सुने होंगे, मान लीजिए जैसे वही है। तो सीधी बात, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है तो जीव वगैरह यहाँ पे पनपते हैं, आप सुने होंगे फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन, इनमें आप नाम सुने होंगे,
तो फाइटोप्लैंकटन जो प्लैंकटन हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो जलजात निक्षेप के सजीव वाला पोर्शन है ये आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे सूरज की किरणें पहुँच रही होंगी। ये गहराई में बहुत ज़्यादा आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गहराई वाले क्षेत्रों में ये नहीं मिलते हैं, खास करके आप ऐसा नहीं मरने के बाद एक गहराई में पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर जो नॉर्मल में आप देखेंगे तो इनके जो निक्षेप वगैरह आपको देखने को मिलेंगे खास करके तटीय क्षेत्रों में और थोड़ी बहुत दूरी तक मिलेंगे, लेकिन बहुत गंभीर वाले क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। फिर आता है निर्जीव में, तो निर्जीव की जब हम बात करें तो इसमें लोहा, मैग्नीज ऑक्साइड, डोलोमाइट, आप जानते होंगे बहुत से तत्व जो हैं वो समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं, जो क्योंकि जानते हैं कि एक फ्रेंच लाइन होती है, फ्रेंच लाइन जिसके ऊपर से क्या होती है समुद्र की लहरें चलती रहती हैं, समुद्र की लहरें, क्योंकि आप जानते हैं जब समुद्र की लहरें चलती हैं तो एक नीचे का जो समुद्र का पानी है वो स्थिर रहता है, ऊपर का पानी चलायमान होता है, तो जो स्थिर और उसके बीच की लाइन होती है उसको फ्रेंच लाइन कहते हैं। तो सीधी बात है, जब फ्रेंच लाइन की मैं बात करूं तो अगर जो कोई चट्टान समुद्र के अंदर है तो वो अगर जो बार बार उसे टकरा रही है, मान लीजिए उस चट्टान में डोलोमाइट के दिखता है, मैग्नीज ऑक्साइड के दिखता है, लोहे के दिखता है, तो वो उसको तोड़ देगी। जब तोड़ देगी तो वो क्या कहलाएगा, जब वो जमा हो जाएगा निक्षेप तो क्या कहलाएंगे, निर्जीव निक्षेपों के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर एक आता है रेड क्ले, लाल मृत्तिका जिसको बोलते हैं, इसकी जो लाल कलर है लोहे के ऑक्साइड की वजह से और एल्युमिनियम सिलिकेट वगैरह इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उद्गार की भी मुख्य भूमिका होती है। तो ज्वालामुखी उद्गार की क्या भूमिका होती है, जब ज्वालामुखी का लावा, मतलब ज्वालामुखी जब कभी समुद्री क्षेत्रों में आते हैं तो उसे जो अंदर से निकला हुआ लावा होता है उसमें कभी कभी आप देखेंगे तो वहाँ पर लोहे के अवशेष भी मिलते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं जैसे जैसे मतलब कि पृथ्वी की गहराई में आप जाएंगे अंदर तो आपको देखेंगे ओसी अल्फे वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, सियाल सीमा निफे, तो सियाल और सीमा है निफे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वहाँ पे लोहे के अवशेष भी आपको दिखने को मिलते हैं। तो वो जब समुद्र जब वो किसी ज्वालामुखी उद्गार के रूप में आते हैं तो वो क्या होते हैं, तलहटी में जमा हो जाते हैं। रेड क्ले आप देखेंगे प्रशांत महासागर के अधिकांश क्षेत्र में आपको ये रेड क्ले देखने को मिलती है, तो आप रेड क्ले को याद रखिए, ये ज्वालामुखी उद्गार से भी मिलते हैं। फिर उल्का धूल, मेटियोराइटिक डस्ट जिसको बोलते हैं, तो आखिर इसको देखते हैं आखिर ये कहाँ से आती है। आप पढ़े होंगे उल्का पिंड, जैसे ही उल्का पिंड अधिकतर आते ही रहते हैं, हमें नॉर्मल में दिखते तो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वो जल जाते हैं, मतलब कि उनका विस्फोट होकर के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर नष्ट हो जाते हैं तो नष्ट होंगे तो उनके धूल के कण तो बचेंगे ही। अगर जो वो धूल के कण स्थल पर गिरते हैं तो हमें नॉर्मल में दिखाई नहीं देते हैं, स्थल पर ये मिट्टी के साथ मिल जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन जब वो समुद्र में गिरते हैं तो उसकी तलहटी में उनको साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो समुद्र के निक्षेपों में, महासागरी निक्षेपों में जलजात निक्षेप के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, इनको आप नॉर्मल में आप देख सकते हैं, इनको कि ये आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मल में आप देखते हैं कहीं आपको उस तरीके की मेटोराइटिक डस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन महासागरों की तली में आपको एक निक्षेप के तौर पर देखने को मिलती। किसी प्रक्रिया के दौरान जितने भी निक्षेप मैंने बताए हैं, अगर जो ये निक्षेप ठोस हो जाते हैं तो ठोस होने के बाद फिर इनका ये निक्षेप नहीं कहलाते हैं, चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। और आप देखेंगे तो मूंगे की चट्टान वगैरह का भी इसमें मुख्य रोल होता है, क्योंकि मूंगे की चट्टान आप देखेंगे जब जीव मर जाते हैं तो उनकी चट्टानें भी क्या करती हैं, निक्षेपों के रूप में टूट जाती हैं, क्योंकि बार बार जो समुद्र की लहरें चलती रहती हैं तो उससे क्या होता है उनकी टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो भी एक कह सकते हैं कि महासागरीय निक्षेपों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। महासागरीय निक्षेप ये मेंस के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, तो इसको आप एक कॉपी पर बना करके नोट कर लीजिए, बाकी प्री के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है आपको दोस्तों को, मतलब कि आपको तुरंत मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या कहीं भी फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, आप उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।